हेलो दोस्तों, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में बनाने वाले हैं ग्वारफली की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए ग्वारफली की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ग्वारफली ली है, इसको अच्छे से पानी से धो लिया है। अब इसके दोनों किनारों को इस तरह से आगे और पीछे के हिस्सों को तोड़ देंगे। ये ग्वारफली कच्ची है, इसलिए मैं इसके ऊपर और नीचे के हिस्से को ही तोड़ रही हूँ। अगर ये थोड़ी सी भी पकी होती तो इसके साइड के रेशों को भी हटा देते। जो ज़्यादा लंबी ग्वारफली है उसे बीच से कट कर देंगे। इसी तरह हम सारी ग्वारफली को साफ करेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी ग्वारफली को तोड़कर तैयार कर लिया है। अगर आप इसे और भी छोटे टुकड़ों में कट करना चाहते हैं तो एक फली के 2 या 3 टुकड़े कर लें। अब इसे तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने 2 प्याज को बारीक कट कर लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को कट कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। तो चलिए अब हम ग्वारफली को तड़का लगाते हैं। सब्जी को तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर देसी घी डालेंगे। घी की जगह आप इसे तेल में भी बना सकते हैं। घी हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जब जीरे का हल्का सा कलर चेंज होने लगे तब इसमें 1 पिंच के लगभग हींग डालेंगे। अब इसी में 1 साबुत लाल मिर्च को तोड़कर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब इसी में बारीक कट की हुई हरी मिर्च और अदरक डालेंगे। अब 15 से 20 सेकंड के लिए अदरक और हरी मिर्च को घी में भून लेंगे। इसे भूनते टाइम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। इसे भूनते हुए लगभग 15 से 20 सेकंड हो गए हैं। अब इसमें बारीक कट किए हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। किसी भी सब्जी को बनाते टाइम अगर उसका मसाला अच्छे से भुना हो तो सब्जी का टेस्ट डबल हो जाता है। प्याज को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लिया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में सबसे पहले 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसी में 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब सभी को मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ 250 ग्राम ग्वारफली के हिसाब से मसाले डाल रही हूँ। आप जितनी ग्वारफली ले रहे हैं उसी हिसाब से मसाले डालें। अब इसमें थोड़ी मोटी कुटी हुई 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, जिसे चिल्ली फ्लिक्स भी कहते हैं। आप यहाँ पे मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच डाल सकते हैं। अब सभी मसालों को लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ग्वारफली थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है, इसमें इसलिए मैं ज़्यादा मिर्ची का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर कम तीखा पसंद करते हैं तो मिर्ची का यूज़ कम करें। अब सभी मसालों को प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। सभी मसाले प्याज के साथ अच्छे से भून गए हैं और इसने घी भी छोड़ दिया है। अब इसमें ग्वारफली डाल देंगे। अब ग्वारफली को मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। ये कच्ची ग्वारफली है इसलिए मैं इसे उबाल कर नहीं बना रही हूँ, नहीं तो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डालकर गैस पर इसे उबाल लें, उसके बाद तड़का लगाएं। पर ग्वारफली को उबालने से सब्जी का टेस्ट है वो अलग आएगा। अगर मसालों के साथ ऐसे ही इसे पकाएंगे तो ग्वारफली का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसे ऐसे ही पकाएंगे, इसलिए कढ़ाई पर ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ लगभग 5 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए। अब ढक्कन हटाकर एक बार सब्जी को करछी से चला लेते हैं ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए और नीचे मसाले भी ना लगे। सब्जी अभी कच्ची है, इसे थोड़ी देर और ढक्कन लगाकर पकाएंगे। इस सब्जी में हमने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। सब्जी जैसे जैसे पकेगी अपना पानी छोड़ देगी। यहाँ सब्जी को पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब फली को हाथ से दबाकर चेक कर लेंगे।
ये अच्छे से टूट रही है, मतलब सब्जी हमारी बनकर रेडी है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस सब्जी में बहुत कम मसालों का यूज़ होता है। अगर हम ज़्यादा मसालों का इसमें यूज़ करेंगे तो ग्वारफली का जो खुद का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसे ऐसे ही बनाएं। मेरे घर में छोटे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे इस मेथड से ग्वारफली की सब्जी बनाकर देखिए, आप इस सब्जी के फ़ैन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ग्वारफली की सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।